इंसाफ के कप्तान की टीम फाइनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी सूबाई कबीना, मियां असलम इकबाल इंडस्ट्रीज कॉमर्स और सरमायाकारी के वजीर मुकर्रर। डॉक्टर यास्मिन राशिद वजीर सेहत बन गयी। अब्दुल अलीम खान को बल्दियात के साथ सीनियर वजीर का ओहदा मिल गया। महमूद रशीद हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ। मुरादराज को महकमा स्कूल एजुकेशन की वजारत सौंप दी गई। राजा बशारत कानून और पार्लिमानी अमूर के वजीर होंगे। मखदूम हाशिम बख्त वजीर खजाना बन गए। समीउल्लाह चौधरी को वजीर खुराक का कलमदान मिल गया। फयासुल हसन वजीर इतलाक की जिम्मेदारी निभाएंगे। एजुकेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट यासर हवाइयों के हवाले। तैमूर खान अमूर नौजवान और वजीर खेल की जिम्मेदारियां निभाएंगे। राजा राशिद हाफिज को रेवेन्यू की वजारत का कलमदान सौंप दिया गया। मोहसिन लगारी वजीर आपाशी, अंसर मजीद लेबर और मेन पावर के वजीर होंगे। नए वजरा आज शाम गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी पर वेजलाही काबीना से हल्फ लेंगे। पंद्रह बुजरा को महकमे मिल गए, 8 का फैसला होना बाकी। मोहम्मद सप्तेन, सरदार आसिफ नकई और हाफिज अमार यासिर काबीना में शामिल। मलिक नुमान लंगड़ियाल, हुसनैन दरेशक, मलिक मोहम्मद अनवर, चौधरी जहीरुद्दीन, हाशिम डोगर के महकमे फाइनल ना हो सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुक्म, पीटीआई के नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर सदारती इंतखाबात के बाद ही हल्फ उठाएंगे। चौधरी सरवर पहले बतौर सेनेटर सदर के लिए आरिफ अलवी को अपना वोट देंगे, फिर ओहदे का हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में आज होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार का अवाम से बराह रास्त राबता करने का फैसला। सरदार उस्मान बुस्तार अवामी मसाइल खुद सुनेंगे। वजीर आला हफ्ते में 2 घंटे ऑनलाइन पर भी दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पर भी अवाम से राबते में रहेंगे। हफ्ते में 1 दिन खुले कचहरी भी लगाएंगे। जर्राए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। आरिफ अलवी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं। ओपोजिशन ताहाल अपना उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। फैसला आज मतवक्के। सदारती इलेक्शन 4 सितंबर को होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने मियानी साहब कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। कब्रिस्तान से पक्की कब्रें बनाने के रेट से मुतालिक बोर्ड्स फौरी उतार लिए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का हुक्म। अदालत ने सदर हाईकोर्ट बार अनवारुल हक पन्नू की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। शहरियों और बुकला बरादरी का अदालत को खराज तहसीन। अदालती फैसले पर मनो अमन अमल करवाएंगे। एसीसीटी सफ्तरवेयर। रेलवे के आला अफसर ने तवील रुख्सत क्यों मांगी, कहानी सामने आ गई। चीफ कमर्शियल ऑफिसर हनीफ गुल ने ब्रीफिंग में 5 साल की कारकर्दगी बताई। ब्रीफिंग के दौरान साबिक वजीर रेलवे साद रफी का जिक्र। शेख रशीद को नागवार गुजरा, कहानियां ना सुनाएं, मुझे पता है क्या तरक्की हुई। शेख रशीद ने अफसर को टोक दिया। आला सतह इजलास में सबकी होने पर हनीफ गुल दिल बर्दाश्ता हो गए और इजलास छोड़ कर चले गए। साथ ही 2 साल की तवील रुख्सत की दरख्वास्त दे दी। जराए ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट का मामला। एलटीए और टीपा ने मंसूबे का तमाम रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। मंसूबे के दस्तावेजात पर होने वाले अफसरान के दस्तखत की तस्दीक फॉरेंसिक लैब से करवाई जाएगी। नैब लाहौर की कार्रवाई, साबिक लैंड रेक्विजिशन कलेक्टर गिरफ्तार। मुलजिम फखरुल इस्लाम 2016 से मफरूर था और करप्शन केस में नैब को मतलूब था। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर अली जहांगीर सदीकी की आज नैप में तलबी। नैप में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद की करप्शन केस ने अली जहांगीर सदीकी को पहले ही मुश्किल में डाल दिया। फवाद हसन फवाद के बिजनेस पार्टनर होने का भी इंकशाफ। नैप ने अली जहांगीर सदीकी से फवाद हसन फवाद समेत उनके दीगर अहल खाना से होने वाले कारोबारी माहदों का रिकॉर्ड मांग लिया। जर्राए साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी आज फिर एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने नाजायज भर्तियों समेत दीगर रेफरेंसेस पर
سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی کی حکومت تو بن گئی مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی آصف ہاشمی کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو پاک بھارت آبی تنازع مذاکرات کے لیے آنے والے بھارتی وفد کی آمد میں ایک روز کی تاخیر وفد اب کل واہگہ کے راستے لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سنتاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے اپنے بھی پرائے رشتہ دار لڑکی کو بھری عدالت سے کھینچ کر باہر لے گئے زدوکوب کرنے کی بھی کوشش کی گئی سیکیورٹی اہلکاروں نے لڑکی کو زدوکوب کرنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا شہر میں چور ڈاکو بے لگام عید سے پہلے شروع ہونے والا وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا فیصل ٹاؤن میں مزاحمت پر ڈاکو نے 25 سالہ نوجوان کو گولیاں مار دی ہزاروں کی نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار کیریبین لیگ کھیلنے والے قومی کرکٹرز کی واپسی کا سفر شروع آل راؤنڈر عماد وسیم شعیب ملک نے لیگ نے چھوڑ دی عماد وسیم آج فٹنس کیمپ ایبٹ آباد پہنچیں گے جمیکا کی نمائندگی کر کے خوشی ہوئی عماد وسیم اور آسٹریلیا سے سیریز ویمن کرکٹ ٹیم کا کیمپ ستمبر کے دوسرے ہفتے لگانے کا فیصلہ دونوں ملکوں کے درمیان سیریز 14 اکتوبر سے شروع ہوگی اسسٹنٹ کوچ اینڈی ریچرڈز 10 ستمبر کو لاہور پہنچ کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے ذرائع